मैं सोचा एक रिव्यू बना देता हूँ। जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 लाख की गाड़ी का ही रिव्यू बने या फिर जो गाड़ी नई है उसी का रिव्यू बने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज इस वीडियो में मैं अपनी गाड़ी का एक ओनरशिप रिव्यू बताऊंगा आपको। और ये जो टोटली वीडियो है ये उसका ओनरशिप रिव्यू के बारे में ही है। मेरे पास हुंडई ईयोन की गाड़ी है और ये मैंने सेकंड हैंड परचेज़ की थी। और इसका जो एक्चुअल में जो प्राइस था वो मेरे को पड़ा था 1,80,000 का, और 2012 मॉडल की ये गाड़ी है। तो कुछ भाइयों को ये लगेगा कि हो सकता है ये थोड़ी महंगी गाड़ी ले ली हो, लेकिन कुछ को रिजनेबल प्राइस लगेगा। तो ये जो प्राइस है भाई, ये अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है कभी कभी ठीक प्राइस में मिल जाती है, कोई कोई सस्ती मिल जाती है, लेकिन वही चीज़ को अगर हम कभी कभी देखें तो थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन अभी इसका गाड़ी का ये है कि गाड़ी है कैसी, चलती कैसी है। वैसे इसकी जो फिट एंड फिनिश देखें और इसके सेगमेंट की अगर दूसरी गाड़ियां देखें तो ये भी 800 cc है, और 800 cc में दूसरा आल्टो ही आती है मारुति की। और तो ज़्यादा गाड़ियां हैं नहीं मेरे ख्याल से। और लेकिन इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है अल्टो के कंपैरिजन में। एक्चुअली ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा बारिश होने के कारण कभी कभी इधर उधर आना जाना पड़ता है, तो जो है ना उसमें खासा परेशानी होती थी। इसलिए मैं सोचा कि भाई एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली जाए, ये बजट में भी रहेगी। अभी ज़रूरी नहीं कि भाई मतलब हर किसी के पास नई गाड़ी का बजट नहीं होता, तो मतलब वो सेकंड हैंड ले सकता है। ये भी एक अच्छी चॉइस है, अगर गाड़ी आपको ठीक कंडीशन की मिल जाए तो सेकंड हैंड में भी कोई बुराई नहीं है। मैं सोचा एक रिव्यू बना देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 10 लाख की गाड़ी का ही रिव्यू बने या फिर जो गाड़ी नई है उसी का रिव्यू बने, क्योंकि अगर हमारे पास जो चीज़ है हम उसी का रिव्यू बनाएंगे। और मेरे जैसे और बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो सेकेंड हैंड परचेज़ करना चाहते होंगे, उनके मन में भी तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो मैं ये सोचा कि एक वीडियो में बना देता हूँ कि हो सकता है मेरे एक छोटे से एफर्ट से, मतलब जो भाई ऐसे होंगे जो ने लेना चाहते होंगे, जिनके मन में ये शंकाएँ हैं, तो हो सकता है उनकी शंकाएँ दूर हो जाएं। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि इसका प्राइस, ये 2012 मॉडल की ईयोन गाड़ी है, मैग्ना प्लस गाड़ी है, ये 800 cc में टॉप मॉडल है। इसके नीचे डिलाइट प्लस और डिलाइट ये आते हैं 800 cc के जो मॉडल थे। अभी तो खैर ये गाड़ी बंद हो गई, अभी नहीं आती है, पहले आती थी, तो उसका अभी ये है। और 1,80,000 में मैंने ये ली थी। इसके बाद मैंने इसमें कुछ एसेसरीज लगवाई थी। वो चीज़ है ना कि मतलब हर एक बंदे का अलग अलग शौक होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, तो मेरे भी कुछ शौक थे। इसके बाद जो है मैंने ली थी तब, एक तो इसमें स्पीकर, इसका जो राइट डोर का स्पीकर था सिर्फ यही बजता था, लेफ्ट डोर के स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो बजता ही नहीं था। तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, और एक पेयर जो स्पीकर का था, इसमें 6 इंची के स्पीकर डलते हैं, और बिडास का मैंने मंगाया था, वो मैंने मंगा के इसमें डलवाए थे। और भी इसके साथ बहुत सारी ऐसी एसेसरीज हैं जो मैंने लगवाई थी, बाद में लगवाई थी उसने, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये अभी जैसे टोटली 1 किलोमीटर चली थी तब मैंने ली थी, तब 32 या 33,000 ऐसी चली थी, किलोमीटर कम ही चली थी। ये ठीक कंडीशन की गाड़ी मेरे को मिल गई थी तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और उसके बाद जो है अभी 2 साल मेरे पास है ये गाड़ी। तो माइलेज की अगर हम बात करें तो ये अभी लोकल चलाने में या सिटी में चलाने में विद AC ये माइलेज देती है 13 किलोमीटर,
और 13.5 किलोमीटर का। और अगर हम लंबा चलें, हाईवे पे चलें, तो हम माइलेज की बात करते हैं, तो ये दे देती है आराम से 18 तक का माइलेज।